नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, कक्षा 7 की बुक से जो हमने सिलेबस के अनुसार प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है, आज हम हैं इसके अंदर कक्षा 7 की बुक से एक पार्ट दिया जिसका नाम है राज्य सरकार। हाँ दोस्तों, राज्य सरकार हमारे पॉलिटिकल की जो यूनिट नंबर 5 है उसके अंदर लगती है और आज हम इससे संबंधित 20 प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो सुनकर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि बीच में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर नहीं आए थे, इसलिए मैं उनके आंसर आज नहीं दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को देखिए और उन पांचों प्रश्नों को पढ़िए और कमेंट में उत्तर दीजिए। कल दोस्तों मैंने एक गलती कर दी थी, कल मैंने जो 6ठा प्रश्न पढ़ा था उसका आंसर होना था राजा राम मोहन राय और मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर बता दिया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों, आज राज्य सरकार पर हम जो है हमारी प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के मतदाता अपने मतदान से सरकार चुनते हैं। ए स्थानीय स्तर की, बी राज्य की, सी केंद्र की और डी सभी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सभी, यानी ये स्थानीय स्तर की यानी गाँवों की या नगर पालिका सरकार भी चुनते हैं, राज्य की जो सरकार है वो भी चुनते हैं और केंद्र की सरकार भी चुनते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ए समवर्ती सूची बराबर 66 विषय, बी राज्य सूची पुलिस, राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आती है, सी संघ सूची के अंदर बैंक विषय आता है, डी अवशेष शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। तो दोस्तों देखो, राज्य सूची में पुलिस ये बात सही है, संघ सूची में बैंक ये बात भी सही है, अवशेष शक्तियां केंद्र सरकार के पास ये भी सही है, लेकिन समवर्ती सूची में 266 विषय नहीं बल्कि 47 विषय होते हैं, संघ सूची में 97 विषय होते हैं और ये जो 66 विषय हैं ये राज्य सूची के विषय हैं। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार के अंग होते हैं। ए हाँ, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इन सूचियों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, यानी समवर्ती राज्य और संघ सूची कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के अंग होते हैं। ए कार्यपालिका, बी विधायिका, सी न्यायपालिका और डी सभी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, डी सभी, कार्यपालिका भी इसके अंग होता है, विधायिका भी अंग होता है और न्यायपालिका भी अंग होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के बारे में ऐसे कथन है, यह राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, बी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सी राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और डी राज्यपाल बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो देखो, यह राज्य का संवैधानिक मुखिया, सही बात है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही बात है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही बात है, राज्यपाल बनने की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही बात है, ठीक, ये गलत बात है, ये 35 वर्ष होनी चाहिए, यही गलत बात थी, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति नहीं है। ए राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होते, सी वह विधायिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करता है और डी राज्य की कार्यपालिका से जुड़े प्रमुख पदों पर नियुक्ति करता है। तो देखो दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है, कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है, ये भी कार्यपालिका शक्ति है और आपके राज्य की कार्यपालिका से जुड़े प्रमुख पदों में नियुक्ति करता है, ये भी कार्यपालिका शक्ति है, लेकिन वह विधायिका के समक्ष बजट प्रस्तुत कराता है, ये उसकी वित्तीय शक्ति है दोस्तों, ये उसकी क्या है, वित्तीय शक्ति है, ठीक है, तो ये उसकी वित्तीय शक्ति है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, वह राज्य के विधायिका के सत्रों को आहूत करता है और प्रथम सत्र को संबोधित करता है, आहूत करता है बुलाता है, आहूत यानी बुलाता है, आहूत शब्द आ सकता है, बुलाना शब्द भी आ सकता है। तो देखो, वह कौन होता है, मुख्यमंत्री, आपके विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, डी कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, राज्यपाल, अगर सत्र का पूछे तो राज्यपाल, अगर ये पूछे कि विधानसभा की बैठ के बुलाता है तो वो होगा दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष, वहाँ विधानसभा अध्यक्ष आएगा। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत होता है, ए विधान परिषद में, बी विधानसभा में, सी किसी भी सदन में और डी केवल विधानसभा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, डी केवल विधानसभा में, अगर कोई विधेयक पूछे तो वो कौन से भी सदन में आएगा,
वो चलेगा, लेकिन जो धन विधेयक है वो सर्वप्रथम राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधानसभा में आता है। जैसे केंद्र में बात करेंगे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद सर्वप्रथम धन विधेयक आएगा लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों का समूह कहलाता है, ए मंत्रिमंडल, बी मंत्रिपरिषद, सी मंत्रिसभा, डी इनमें से कौन है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों मुख्यमंत्री के साथ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना वो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, वास्तव में राज्य की शक्तियों का प्रयोग करता है, ए मुख्यमंत्री, बी मंत्रिपरिषद, सी दोनों, डी इनमें से कौन है। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही वास्तव में जो शक्तियाँ हैं उनका उपयोग करती है, बाकी ये शक्तियाँ राज्यपाल के नाम से नाम मात्र की होती है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ए मुख्यमंत्री के प्रति, बी राज्यपाल के प्रति, सी विधानसभा के प्रति, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है, विधानसभा के प्रति। और आपके लिए तीसरा क्वेश्चन, आपको बताना है एक विधायक किसके प्रति उत्तरदायी होता है, एक विधायक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है, ए मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा, बी विभिन्न विभाग के कार्यों की निगरानी रखना, सी मंत्रियों को शपथ दिलाना, डी विधानसभा का नेता होना। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, सी मंत्रियों को शपथ दिलाना, यानी ये मंत्रियों को शपथ जो है नहीं दिलाता है, बल्कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, और बाकी मंत्रियों में कार्य बंटवारा करता है, विभाग की निगरानी रखता है, और विधानसभा का नेता भी होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे राजस्थान में विधायिका कितने सदनात्मक है, एक, दो सदनात्मक, बी द्विसदनात्मक, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, ए हमारे राजस्थान में एक सदनात्मक विधायिका है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सॉरी ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी जम्मू कश्मीर, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है जम्मू कश्मीर में वर्तमान विधान परिषद नहीं है, पहले थी। और आपको अब याद रखना है कि विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है, पांच राज्यों में, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या ए 250, बी 545, सी 200 और डी 100। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 200। अगला क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष, क्योंकि राज्यपाल के लिए होती है 35 वर्ष आयु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विधानसभा का कार्य नहीं है, ए राज्य में कानून बनाना, बी धन संबंधी कार्य पर नियंत्रण करना, सी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और डी विधानसभा राज्य का शासन चलाती है। तो दोस्तों पहले तीनों तो सही है, लेकिन ये गलत है, विधानसभा राज्य का शासन नहीं चलाती बल्कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद चलाती है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं, ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा सदस्यों, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके अंदर राज्यों की जो MP यानी विधानसभा सदस्य है वो भी भाग लेते हैं, और राज्यसभा सदस्यों के अंदर भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, विधान परिषद के कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ए 2/5, बी 1/4, सी 2/3 और डी 1/3। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, डी 1/3। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, ए 20, बी 100, सी 50 और डी 40। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपके अंदर, राइट आंसर होगा डी 40। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय किस विवाद की सुनवाई करता है, ए राज्यों के नागरिकों के बीच विवाद, बी नागरिक और सरकार के बीच विवाद, सी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील और डी सभी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। तो दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, पहला मैंने आपको पूछ लिया संघ समवर्ती और जो राज्य सूची है ये किस अनुच्छेद में है, दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया हमारे वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल का नाम बताना है, राज्यपाल का नाम, और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिया कि एक विधायक किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप इनके उत्तर
ज़रूर देंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, फिर आप इसको शेयर करेंगे, फिर आप इस पर एक अच्छा सा कमेंट करेंगे और कमेंट में अपने उत्तर देंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, आप सब अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें।